इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली थी। बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी है जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम कर रहा हूँ, हर मार्केट में काम किया हुआ है, और मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा इनके किसी लीडर का नाम नहीं आता। ठीक है, मतलब बंदा वो वही जो है नज़रों के आगे है, क्योंकि वो दुनिया का पॉपुलर तरीन लीडर है, दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हर मुल्क के साथ हमारे खान साहब की हज़ारों मजहबी इख्तलाफात के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिज़र्व द दिस पोजीशन। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिज़र्व करता था, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। डजंट मैटर कि वो कहाँ से उठ के कहाँ आया, बात यह है कि उसने अपने आप को मनवाया। लास्ट इलेक्शन में इंडिया का ये देखा था कि कांग्रेस हारी थी और बीजेपी जीती थी, और वो दोनों ने जो है ना वो शेक हैंड किया था और उसने जो है ना वो कंग्रेचुलेशन की थी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इस तरह के सीन कभी देखने को मिले नहीं है। हम काम करते हैं ट्रकिंग का, मतलब हम यूएस में काम करते हैं, यूएस की मार्केट में सिर्फ एक काम नहीं, काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है ना मार्केटिंग का काम चलता है। हमें जो ज़्यादातर कस्टमर आता है वो इंडिया का है, सिख है या कोई पंजाबी या उसके अलावा कोई जो इंडियंस हैं, ज़्यादातर इंडियंस आते हैं। तो एक तो फर्स्ट थिंग ये है कि फर्स्ट फैक्टर ये है कि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और सेकंड थिंग अगर आप देखेंगे ये लोग ज़रा अपने लीडर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे ये होता है कि लीडर्स को पर्सनली ले लिया जाता है। उनकी करनाला स्टेट इस वक्त देखिए कि दुनिया आईटी की तरफ मूव कर रही है, दुनिया जदीद हो रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है आईटी सेक्टर में, तो उनकी करनाला स्टेट जो है वो उस वक्त दुनिया में इस वक्त नाम है उसका कि आईटी सेक्टर में बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम आज की बात देखें तो उन्होंने रावी पे, हमारे लिए तो ये बड़ी अफसोस की बात है, रावी पे उन्होंने डैम बना लिया बाकायदा अपना। नाज़रीन, 4 जून का दिन इंडिया के लिए नहायत अहम दिन है। 4 जून को इस बात का फैसला हो जाएगा कि अगले 5 सालों के लिए भारत की भाग दौड़ कौन संभालेगा, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। इंडियन इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि इंडिया ने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कोई मुल्क ना कर सका वो भारतीयों ने कर दिखाया। इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में 642 मिलियन भारतीयों ने वोट कास्ट किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। मुस्तसम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको पता है इंडिया में इस वक्त इलेक्शन का समय है, 4 जून का दिन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जून को ये अनाउंस किया जाएगा कि अगले 5 सालों के लिए इंडिया की भागदौड़ कौन संभालेगा। उससे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने लोकसभा इलेक्शन में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 64 करोड़ लोगों ने जो है वो वोट दिए हैं, जो कि बनते हैं 642 मिलियन। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में पहली दफ़ा देखने को मिला है कि इंडिया ने तमाम ममालिक को, इंडियंस ने पीछे छोड़ दिया, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर वोट कास्ट किए गए हैं। बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है कि 1.5 बिलियन का जो है ना वो मुल्क है, और वहाँ पे जो है ना वो फिर भी वोटिंग रेशो आप चेक करें ना तो अराउंड जो है ना ये लेस देन 50% बनती है, अराउंड जो है ना वो 45 से जो है ना वो 50 के दरमियान में। और अगर आप पाकिस्तान में भी जो है ना वो वोटिंग का चेक करें तो वो भी जो है ना वो परसेंटेज जो है ना वो सेम ही फॉल करती है। लेकिन ये क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, तो इस वजह से ऑब्वियसली बात है इतने वोट तो कहीं पे कास्ट नहीं होने थे जितने जो है ना वो वहाँ पे होने थे। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इंडिया के इलेक्शन के ऊपर टिकी हुई है, और एग्जिट पोल ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि अगली सरकार जो है एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की आएगी। इवन के इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, उन्होंने तो रिजल्ट से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया कि अगली हुकूमत जो है वो नरेंद्र मोदी है, उनका हैट्रिक होने जा रहा है। हाँ, बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट इलेक्शन में जो है ना वो नरेंद्र मोदी ने ली थी। बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी है जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। लेकिन
ऑन दी अदर साइड लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा अपोजिशन नहीं थी जितनी इस दफ़ा थी, क्योंकि सारी पार्टीज जो है ना वो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब स्कीज हो गई हुई है जो है ना वो बहुत, इवन के आम इलेक्शंस में भी जो है ना वो पंजाब के इलेक्शंस हो गए, दिल्ली के इलेक्शंस हो गए, वहाँ पर जो है ना वो आम आदमी पार्टी से हार रही थी। लेकिन अब जो है ना वो आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और उसके अलावा जो है ना वो कांग्रेस, ये सारी पार्टीज जो है ना वो मिल गई हैं और अगेंस्ट जो है ना वो कंडक्ट कर रही हैं। आई डोंट नो के कौन बन, ये तो शोर है कि मोदी की ही थर्ड टर्म होगी, लेकिन ये शोर नहीं है कि आया कि वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, लाइक सिंगल मेजॉरिटी की वाली गवर्नमेंट होगी, या फिर जो है ना वो कॉलेशन गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये इंडियंस पे जो है ना ऑब्वियसली आता जाता है। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात करें तो क्या आप बड़ा मेजर फ़र्क देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? अभी हालिया पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नाम पर पाकिस्तान में जो ड्रामा किया गया, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया। एक महीने तक पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये मेरा ख्याल है उनका 7th राउंड था जो कि ख़त्म हो गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, फ़र्क मेजर क्या देखते हैं दोनों मुल्कों के इलेक्शन में? बेसिकली ये है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो वे स्ट्रॉन्गर देन जो है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का कोई अमला नहीं है, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है ना उनका अपना अमला है। यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है शुरू से ही, जब आप देखते हो ना हमारी गवर्नमेंट्स खुद ही बनाती हैं कि भाई जो आपने जो है ना वो जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले जो है ना वो होंगे ना वो सारे के सारे जो है ना वो आरओज जो है ना वो जुडिशरी से होंगे, देन ही फिर जो है ना वो आ जाते हैं, एसी बन जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो जो है ना वो एमपीओ के तरीके के जो है ना वो ऑर्डर। इस दफ़ा तो पाकिस्तान में आई थिंक इलेक्शन ही हुए, मजाक ही हुआ है, लेकिन इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। क्या इंडिया में हम धांधली की उम्मीद रखें कि वहाँ पे धांधली होगी जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद पाकिस्तानी चीख चीख के कहते हैं कि भाई हमारे साथ धांधली हो गई, हमने तो इसको वोट कास्ट ही नहीं किया था? तो क्या ये शोर शराबा हमें कभी इंडिया में देखने को मिला? लास्ट इलेक्शन में मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इलेक्शंस के बारे में मुझे जो है ना वो पता नहीं है, लेकिन लास्ट इलेक्शन में इंडिया का ये देखा था कि कांग्रेस हारी थी और बीजेपी जीती थी और वो दोनों ने जो है ना वो शेक हैंड किया था और उसने जो है ना वो कंग्रेचुलेशन की थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा इस तरह के सीन कभी देखने को मिले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एक ये है कि रिगिंग होती है, एक तो होता है ना कि दूसरा बंदा कहता है, एक वाकई में होती है और इस दफ़ा इतनी ओपन हुई है कि हर बंदे को पता है, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये ना पता हो, क्योंकि हम वोट कास्ट करके आए हैं और बाद में शाम को हमें भी सुनने को मिलता है यार फलां बंदा जीत गया है और फलां हार गया। सही। अच्छा, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म आ जाता है तो क्या लगता है वो इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि आप देखिए उनके दो टेन्योर्स, अगर हम उनका जायज़ा लें, उनके 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा। हमने बड़े सक्सेसफुल इंडिया के मिशन होते हुए देखे, इंडिया की एजुकेशन, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में आईटी, साइंस, हर लिहाज में हर सेक्टर में इंडिया को हमने डेवलपमेंट करते हुए देखा है। क्या लगता है अगर एक बार फिर से मोदी की सरकार आ जाएगी? आपको पता है इंडिया ने इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर की डिमांड कर ली है, वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इवन कि अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी कह दिया कि अगर बीजेपी की हुकूमत आ गई तो 6 महीने में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। तो इसके साथ साथ और क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? बेसिकली ये तो वो वाले स्लोगन्स हैं जो किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह के सुनने को मिलते हैं, जब इंडिया में इलेक्शन आते हैं तो ये सुनने को मिलते हैं, ये रियलिटी बेस्ड तो होते नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान जो है ना वो अगर इतना ही वीक कंट्री होता तो ये कब से जो है ना वो, जब इंडिया की नज़र थी, ये कब से हो चुका होता। दोनों साइड स्ट्रांग है, दोनों एटॉमिक पावर रखती हैं, न्यूक्लियर जो है ना वो दोनों, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो एडवांस्ड है दोनों इस चीज़ में। तो इसका मतलब ये है कि जंग तो अब हो नहीं सकती, क्योंकि अगर जंग होगी तो फिर वो वर्ल्ड वार ही होगी, वो नॉर्मल जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो नहीं होंगी, सो वो हो नहीं सकता। तो इन अदर वे ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं जो अपने मुल्क के लोगों को खुश करने के लिए जो है ना वो सुनाए जाते हैं, जस्ट लाइक लोहड़ी। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद क्या करते हैं? मेरा ऑफिस है यहाँ पे साइड। आपको पता है कि 4 जून का दिन
इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो इलेक्शन है उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 4 जून को। इस चीज़ का फैसला होगा कि अगले 5 सालों के लिए भारत में किसकी सरकार आने वाली है, किसके हाथ में होगी भारत की भाग दौड़। आपको पता है कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि इंडिया ने तारीख रकम कर दी है। इतनी बड़ी तादाद में इंडिया में वोट कास्ट किए गए, इतना बड़ा टर्नओवर देखने को मिला है कि आज तक किसी कंट्री में इतना टर्नओवर देखने को नहीं मिला। 64 करोड़ लोगों ने जो है वो वोट कास्ट किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली तो यही कहूँगा कि आपको पता है इंडिया का रकबा कितना है और इंडिया में उतनी ही अमाउंट है लोगों की, ठीक है, तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख लें ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो हमारे मेन लोग हैं, गूगल, यूट्यूब, इनके CEO वो भी इंडियंस ही हैं। हर जगह पे हम काम करते हैं ट्रकिंग का, मतलब हम US में काम करते हैं, US की मार्केट में सिर्फ एक काम नहीं, काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है ना मार्केटिंग का काम चलता है। हमें जो ज़्यादातर कस्टमर आता है वो इंडिया का है, सिख है या कोई पंजाबी या उसके अलावा कोई जो इंडियंस हैं, ज़्यादातर इंडियंस आते हैं। तो एक तो फर्स्ट थिंग ये है कि फर्स्ट फैक्टर ये है कि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और सेकंड थिंग अगर आप देखेंगे ये लोग ज़रा अपने लीडर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे ये होता है कि लीडर्स को पर्सनली ले लिया जाता है, ठीक है, मतलब अब अगर आप PTI के सपोर्टर हैं, मैं अल्लाह ना करे मैं नून लीग का होता हूँ, तो मैं फिर आपको जो है ना एक पर्सनली एक बुरी निगाह से देखूँगा। उनमें ये चीज़ नहीं है, वो घर से बाहर देखते हैं, फैमिली में उनका कोई सीन नहीं है, वो लोग अपने बारे में सोचते हैं कि यार हमें कहाँ से फ़ायदा है, ना कि यार वो फलाना MPA मेरे ना चाचू का कुछ लगता है तो मैं इस पार्टी को सपोर्ट करूंगा, उनमें ये सीन नहीं है। अच्छा, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शन का कंपैरिजन करें तो आप मेजर फ़र्क क्या देखें, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए हैं और जो रिज़ल्ट आया आपके सामने किस तरह का रिज़ल्ट था, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हुआ है, इतना ज़्यादा बजट हमने इलेक्शन पर लगा दिया और 1 महीने के बाद जो है इलेक्शन का रिज़ल्ट आया और जो रिज़ल्ट आया वो आपके सामने, बाद में अवाम ने कहा जी हमारी मर्ज़ी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब ही नहीं किया गया। तो इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो मेजर फ़र्क क्या देखते हैं? मेजर फ़र्क अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग जो है ना इनको, ये जो हमारे लीडर्स हैं इनको पर्सनली ले लेते हैं। हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए, अगर आप एज अ बिजनेसमैन सोचें ना तो आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी है जो हमें बेनिफिट दे सकती है, ना कि आपको पहले भी बताया कि ना कि हमारे ये होता है गांव इलाके में वो MP आता है वो बड़े प्यार से आके क्या हाल है जी ठीक है आप, बस प्यार मोहब्बत के पोछे पड़ा के तो वो चला जाता है, उसके बाद फिर हमारी वो भोली आवाम जो है उनके बातों में आके तो उनको वोटिंग दे देती है। इंडियंस में ये चीज़ नहीं है, उनमें भी है, उनमें काफ़ी लोग मतलब बुरे भी हैं, हर जगह पे बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, मासूम लोग भी होते हैं। उनमें ये चीज़ है कि जैसे वोट देने ना आगे पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं उनको पता है कि ये वाली पार्टी ने इस सन से लेके इस सन तक हम पे जो है ना हुक्मरानी की है, तो इनमें से हमें इसको इसने कितना प्रॉफिट दिया है, इसने कितना प्रॉफिट दिया और इसने कितना प्रॉफिट दिया है, ठीक है, इसने हमारे लिए क्या किया, इसने हमारे लिए क्या किया, ठीक है, फिर वो उस बिहाफ पे वोटिंग करते हैं, समझ रहे हैं ये चीज़ उनका। अब आप देखें ना कि कहा जा रहा है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी साहब की आएगी, एग्जिट पोल जो है वो इस बात को प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इस बात को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ही थर्ड टेन्योर होगा, और वहाँ की आवाम भी अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमेशा आवाम जो है उसी को वोट देती है जिस लीडर ने मुल्क को सर्व किया होता है। अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो 10 सालों में हमने देखा है कि उन्होंने इंडिया का जो है रुतबा कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। इंडिया में डेवलपमेंट देखें, इंडिया को पूरी दुनिया में जिस तरह उन्होंने उनका नाम रजिस्टर करवाया है, तमाम ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात देखें कितने बेहतरीन हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में। तो अब देखें कि डेफिनेटली जिस लीडर ने सर्व किया है लोग उसी को ही वोट देंगे। लोग कहते हैं ना कि आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है कि उन्हें बार बार जो है वो वोट दिया जा रहा है। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम कर रहा हूँ, हर मार्केट में काम किया हुआ है, और मुझे नरेंद्र मोदी के अलावा इनके किसी लीडर का नाम ही नहीं आता, ठीक है, मतलब बंदा वो वही जो है नज़रों के आगे है, क्योंकि वो दुनिया का पॉपुलर तरीन लीडर है, दुनिया का पसंदीदा तरीन लीडर है, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हर मुल्क के साथ हमारे खान साहब की तरह उन्होंने तमाम ममालिक के साथ बना कर रखी हुई है। हालांकि अगर हम पाकिस्तान में जब हम इलेक्शन पर बात करते हैं कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं उस पर जो है वोट गेन करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने उसको बड़ी दफ़ा मुस्लिम्स के हक़ में जो है ना बात करते हुए सुना है, और बेसिकली जैसे अब ज़्यादातर इशूज़ आते हैं अहले तशी के लिए, अहले तशी पार्टी के सबसे ज़्यादा इशू होता है ना,
तो बड़ा उसने सपोर्ट किया है इस बिहाफ पे, तो ये तो गलत बात है जिसने भी ये बात कही है। अभी तो आपको मैं बताऊं तो इंडिया में जितने मुसलमान हैं वो भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ पे मुस्लिम खवातीन नमाजें अदा कर रही हैं, दुआएं पढ़ रही हैं, सामने नरेंद्र मोदी की तस्वीरें रख कर दुआएं कर रही हैं कि अगला भी जो टर्म है वो भी थर्ड टर्म जो है नरेंद्र मोदी का ही आए। मैं भी यही चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी का मोदी का ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब एक इंडियन नाम है मेरे ज़ुबान पर नहीं चढ़ रहा। सो क्योंकि जो सुनने में आया, क्योंकि हम इंडियन थोड़े ही हैं, सुनने में आया कि बंदा अच्छा है, बंदा ग्रेट है, ठीक है। जैसे हमारे खान साहब हैं, उसने भी काफ़ी काफ़ी कुछ किया अपने इंडिया के लिए, ठीक है, और लोगों में बैठने वाला है मिलनसार। मैंने उसकी वीडियोस भी देखी हैं, वो रील्स भी देखी हैं, लोगों में ऐसे ही बैठता है जैसे कोई सीढ़ी पे बैठा तो आके साथ सीढ़ी पे बैठ जाता। क्या नाम है आपका? फसी जोया। क्या नाम आमिर? फसी। क्या करते हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी मैस कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूं। जबरदस्त। और आप? मैंने अपनी स्टडी कम्प्लीट कर ली सिविल इंजीनियरिंग, अब फ्री। अभी आप फ्री हैं? अच्छा, आपको पता है इंडिया में इस वक्त इलेक्शन का समय है, 4 जून का दिन हमसाए मुल्क भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त भारत के इलेक्शन पर है। इवन कि इंटरनेशनल मीडिया ने एग्जिट पोल के बाद ये अनाउंस भी कर दिया है कि थर्ड टर्म जो है नरेंद्र मोदी की आ रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन अगर हम बात करें वोट कास्टिंग की, तो आपको पता है कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि किसी मुल्क ने जो नहीं किया वो इंडियंस ने कर दिखाया। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे टर्नओवर देखने को मिला है, 642 मिलियन लोगों ने जो है वोट कास्ट किया है, जो कि 64 करोड़ बनता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हज़ार हाँ मजहबी इख्तलाफात के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिज़र्व द दिस पोजीशन। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिज़र्व करता था, वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। डजेंट मैटर कि वो कहाँ से उठ के कहाँ आया, बात ये है कि उसने अपने आप को मनवाया। उनकी करनाला स्टेट इस वक्त देखिए कि दुनिया आईटी की तरफ मूव कर रही है, दुनिया जदीद हो रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है आईटी सेक्टर में, तो उनकी करनाला स्टेट जो है वो उस वक्त दुनिया में इस वक्त नाम है उसका कि आईटी सेक्टर में बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम आज की बात देखें तो उन्होंने रावी पे, हमारे लिए तो ये बड़े अफसोस की बात है, रावी पे उन्होंने डैम बना लिया बाकायदा अपना, और फिर जो है उनका राजस्थान जो है, जिस तरह हमारा चोलिस्तान सूखा पड़ा है, वहाँ तो जानवर मर रहे होते हैं ना चोलिस्तान में प्यास की वजह से, और इंसानों को भी पानी नहीं मिल रहा होता, उन्होंने जो है अपना वहाँ से बहुत सारा पानी जो है वो उनका फ्लड उस तरफ करके तो अपनी वो राजस्थान को आबाद कर रहे हैं। आपको पता है रावी की आपने बात की, जब पानी रावी का रोक कर वहाँ पर डैम बनाया गया तब पाकिस्तान ने बड़ा इख्तलाफ किया कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रावी के पानी को जो कन्वर्ट किया गया है, डाइवर्ट किया गया है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ किया गया, वहाँ के किसान अब उस पानी को यूटिलाइज करेंगे। कश्मीर की अगर आप बात करें तो देखें, कश्मीर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की शारक है, मगर ये सिर्फ मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टंट ही बन के रह गया है। ये जो मतलब पिछले दिनों के मसाइल हुए हैं कश्मीर में, अब कश्मीरी लोगों का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो वो ये कहते हैं कि देखें, और ये हकीकत भी है कि जो इंडिया के ज़रिए निज़ाम कश्मीर है इस वक्त वो ज़्यादा जदीद है हमसे, इस वक्त वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है बनिस्बत हमारे यहाँ पर, कि जो हमने शुरू से ही कश्मीर हमारी शारक है, कश्मीर हमारी शारक है, मुजाहिदीन जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वहाँ के लोगों से तो पूछें, एक घर के बंदे से आप इजाज़त लिए बगैर उसके घर को ऑन कर रहे हैं कि इसका मालिक ही मैं हूँ, इसे तो मुझे लेके चलना चाहिए सारे इसके निजामी अमूर। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी साहब के दौरे हुकूमत में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हुई हम लोग देखते ही रह गए, और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लिए क्या क्या कर दिया, वहाँ पर डैम्स बनाए, वहाँ पर डेवलपमेंट की। देखिए, ज़ुबान की तकसीम दुनिया में सबसे बड़ी तकसीम कंसिडर की जाती है, तो हम कहते हैं कि वन नेशन है, एक कौम है, ला इलाहा की बुनियाद पर हमारा मुल्क बना, मगर द पॉइंट इज़ दैट कि हम ले के किस तरह चल रहे हैं चीज़ों को, वो बातें नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काम करके दिखा रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का रूल होता है कि वहाँ पे अगर आप कुछ दिखा रहे हैं तो पब्लिक आपको ऑन करती है, ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है कोई मजहबी पार्टी आ गई तो उसने आपको मजहबी सॉरी टू से चूरन बेचना है, मजहबी फकी उसने बेचनी है, कोई पोलिटिकल पार्टी है तो उसने ये देखना है कि मैंने आने वाले टेन्योर में सर्वाइव कैसे करना है। ठेकेदार प्रमोट कर रहे होते हैं उन्हें, और जब इलेक्शन कंपेन होती है तब से लेके उनके जीतने तक या हारने तक ठेकेदार जिन्होंने टेंडर लेने होते हैं, जब वो आपको सारा फीड कर रहे होंगे, आपको दे रहे होंगे, तब
तो फिर हाउ इज पॉसिबल कि आवाम उससे अकोमोडेट होगी? ये आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार आना डिजर्व करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो फेयर मीन से आए या अनफेयर मीन से आए, उनका आना पब्लिक उन पर बिलीव कर रही है इस वक्त, पब्लिक का एतमाद हासिल है उन्हें, तो उनका आना बिल्कुल ठीक है। मगर इसके साथ ही हम ये देखें कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अगर बात करें तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी कि पाकिस्तान के साथ उनके, वो चूँकि कट्टर किस्म के हिंदू हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे इंतहा पसंद मजहबी तबका होता है ना, इसी तरह वो इंतहा पसंद हिंदू हैं, तो पाकिस्तान के साथ मामला तो डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे, कुछ हमारी तरफ से कुछ उनकी तरफ से। बहरहाल वहाँ की पब्लिक के लिए, वहाँ की कम्यूनिटी के लिए वो बिल्कुल सूटेबल है इस वक्त। यानी आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आती है तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? मेरा नहीं ख्याल, चूँकि उनकी तीसरी हुकूमत है इस वक्त, पहली दो हुकूमतों में भी हमारे इनके साथ मसाइल ही रहे, कुछ गलतियाँ इधर से कुछ उधर से, कुछ उनकी पब्लिक जज्बाती हैं, वो भी हम भी जज्बाती हैं, वो भी इंतहा पसंद हैं, और हमारे भी यहाँ पर इंतहा पसंदी की कोई कमी नहीं है वैसे, तो ये डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी। इस वजह से फिर जो पब्लिक को पसंद होता है मजहबी रहनुमा उसे ही ऑन करता है, उसे पता होता है कि मैंने इनका एतमाद लेना है और इन्हीं के साथ चलना है, तो ये चीज़ें होती हैं मिक्स मैच, इन्हीं को लेके चलते हैं। जिस तरह हमारे भी यहाँ पे कि मुखालिफ हमसाया ममालिक के साथ, अब ईरान के साथ भी हमने कुछ छेड़खानियाँ शुरू की, इसी तरह ही हमने इंडिया के साथ इस तरह के मामला शुरू किए, इस वजह से कि पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो। जब भी मुल्क में कोई इंतशार बढ़ता है तो हम बाहर थोड़ी सी बॉर्डर पर छेड़खानियाँ कर देते हैं शुरू, कि सारी पब्लिक दोबारा इकट्ठी हो जाए, लोग आपस में दोबारा बॉन्डिंग कर लें, तो ये एक होता है स्टंट हर पॉलिटिशियन के पास, वही वो यूज़ करते हैं।